नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम एवरेडी इंडस्ट्री सर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट होने का प्रोबेबिलिटी है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो जो स्टॉक है कौन सा इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है एंड उसी स्टॉक का सेक्टर क्या है। देखिए, एवरेड इंडस्ट्री का जो सेक्टर है ड्राई सेल का, इंडस्ट्री है ड्राई सेल का। अगर आप इस स्टॉक का मार्केट कैप देखेंगे अराउंड 2717 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 374 का एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है 283 करोड़ का। अगर बुक वैल्यू देखेंगे 44, प्राइस टू बुक वैल्यू बन रहा है 8.51 का एंड प्रोमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 43.22% जो कि लोअर साइड के ऊपर है। अगर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 8%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 38% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे बन रहा है 4.49%। मतलब तीनों टाइम फ्रेम में स्टॉक अभी तक आउट परफॉर्म नहीं किया है, एक रेंज के अंदर यहाँ पे लास्ट 5 ईयर से कंसोलिडेशन कर रहा है। एक बार अभी हम उसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट को देख लेते हैं किस टाइप का कंपनी यहाँ पे रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। देखिए, जून 21 में इसका था सेल्स 282 करोड़ का, अभी कितना है जून 23 में 364 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 30 का, अभी नेट प्रॉफिट है 25 का। देखिए, सेल्स तो यहाँ पे ग्रो हो रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे फ्लैट है लगभग, क्योंकि लास्ट 2 ईयर में जो 30 करोड़ था अभी 25 हो गया है, आप फ्लैट और नेगेटिव मान सकते हैं। उसके साथ प्रीवियस क्वार्टर में देखिए नेगेटिव 14 करोड़ का यहाँ पे लॉस डिक्लेयर किया था। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए, प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 43.21% जो कि लोअर साइड के ऊपर है एंड रेड फ्लैग है। एफआई के पास 0.4 है एंड डीआई यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 2.17% एंड डीआई यहाँ पे धीरे धीरे करके शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 54.21%। लेकिन इन बिटवीन पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है। जैसे कि देखिए, बिग इन्वेस्टर यहाँ पे अराउंड होल्ड कर रहे हैं 20% के आसपास। अगर टोटल आप सम कर लेंगे, जैसे कि HDFC यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 3%, ICM फाइनेंस होल्ड कर रहे हैं 3.29%, अगर टोटल क्वांटिटी को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे अराउंड 20% के आसपास बन रहा है। अगर हम यहाँ पे जो टोटल पब्लिक कैटेगरी में 54% शेयर होल्डिंग है उसमें से 20% माइनस कर देंगे, अराउंड 34% के आसपास यहाँ पे रिटेल पब्लिक होल्ड कर रहे हैं जिनका होल्डिंग बिलो 1% है। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप अभी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन है एवरेड इंडस्ट्री का एंड टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है वीकली। प्राइस तो देखिए जो उसका लाइफ हाई यहाँ पे बनाया था नियरली 2008 के आसपास। देखिए, 2008 का हाई के आसपास प्राइस जब भी यहाँ पे जा रहा था, प्राइस को मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखिए सप्लाई देखने को मिल रहा है एंड लास्ट 2 ईयर से प्राइस देखिए एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके साथ देखिए यहाँ पे एक बिग कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे जो ब्लू लाइन जा रहा है इस नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेक कर देगा, उसके बाद कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है एंड इसका नेकलाइन क्या बन रहा है, वो बन रहा है नियरली 390 के आसपास। अगर इस स्टॉक का प्राइस 390 के ऊपर डेली या वीकली क्लोजिंग आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है एंड नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 500 से 550 तक भी जा सकता है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो देखिए प्राइस एक रेंज से यहाँ पे ब्रेकआउट किया है एंड आज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रिग मार्वज कैंडल बनाया है। देखिए, इस रेंज के अंदर प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा था एंड यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है। अगर आगे आने वाले टाइम में प्राइस यहाँ पे जो स्विंग लो बना है नियरली जो स्विंग लो बना है 345 के आसपास, इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तो जिस टाइप का कैंडल यहाँ पे बना है हाई प्रोबेबिलिटी के आने वाले टाइम में हमको हायर हाई मूव देखने को मिल सकता है एंड जो बड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है ना, इसी कंसोलिडेशन को प्राइस ब्रेक करके अगर क्लोजिंग कर देगा वीकली टाइम फ्रेम में, उसके बाद मल्टीयर का ब्रेकआउट आ जाएगा जो कि लेवल बन रहा है आप मान कर चल सकते हैं 390 से 400। उसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आ जाएगा उसके बाद इसमें मल्टीयर का ब्रेकआउट आ जाएगा, नेक्स्ट इसका टारगेट डबल भी हो सकता है। लेकिन हमेशा से आपका रिस्क एंड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा एंड एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर दीजिएगा आपका रिस्क एपेटाइट के अनुसार, क्योंकि देखिए हर ट्रेडर का रिस्क प्रोफाइल अलग अलग है, इसलिए आपका रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप यहाँ पे आपका एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपको एवरेड वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट दिखाऊंगा तो देखिए यहाँ पे रेशियो चार्ट भी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है। क्लियर कट देखिए,
प्राइस यहाँ पे 2021 के बाद इस डाउन ट्रेंड चैनल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है रास्टो चार्ट में। जैसे ही प्राइस यहाँ पे इसी रेंज को यहाँ पे ब्रेक कर देगा उसके बाद रास्टो चार्ट में भी ब्रेकआउट आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि आने वाले टाइम में एवरेज इंडस्ट्री निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म करेगा अगर इस रास्टो चार्ट को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर देता है तो। हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आने वाले टाइम में प्राइस यहाँ पे जो 390 से 400 का मल्टीयर का रेजिस्टेंस है उसी लेवल को वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक कर लेता है उसके बाद इस रास्टो चार्ट को भी प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अगर सारा सिनेरियो देखेंगे हाई प्रोबेबिलिटी है कि जिस टाइप का अभी हमको टेक्निकल चार्ट सेटअप दिखाई दे रहा है एक बार 390-400 लेवल को ब्रेक कर देता है वीकली बेसिस के ऊपर उसके बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन इनिशियली यहाँ पे देखें डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप दिखाई दे रहा है एंड नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है जो कि इनिशियल साइन है कि आने वाले टाइम में प्राइस इसमें ब्रेक कर सकता है, शायद कल यहाँ पे इसके ऊपर गैप अप भी हो सकता है। तो इस स्टॉक को आपके वॉचलिस्ट में रखिएगा एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड कॉन्टेंट को मैनेज कीजिएगा एंड आपका व्यू वीडियो नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।